हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और किसी ने हमें कमेंट किया था कि फ्रेंच फ्राइज की ना एक डिटेल वीडियो लेकर आना, तो वो आज आ गई है। तो आप जल्दी से देखो और यार काफ़ी मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो अभी से लाइक कर दो वीडियो को, और जो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे ना सुपर क्रिस्पी होंगे। तो देखते हैं उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए होंगे, बेसिकली बना रहे हैं आपको आलू चाहिए। तो यहाँ पे मैं मोटे छिलके वाला आलू यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यही यूज़ करना है चाहिए। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक तो डालेंगे जिसके साथ फ्लेवर आएगा। और बस ये तीन चीज़ें यार, देख लो इतना आसान है इसको बनाना, सिर्फ तीन चीज़ें हैं। तो अब आलू आ गया। अब आलू को हमें पील करना है, यानी कि इसका छिलका उतारेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि आलू का छिलका कितना मोटा, इसलिए मैं बोल रहा था कि हमें मोटे छिलके वाला आलू चाहिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से काट लिया है। तो ये रहे आलू, इनको मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। इनको मैंने अभी काटूंगा, इनको जो पीसेस होते हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं वैसे काटूंगा। अब देख लीजिए कैसे काटना है। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको एक कोई भी प्लेट ले लेनी है, या फिर कोई भी आपके पास चॉपिंग बोर्ड है ना वो ले लें। अब एक आलू को आप उठाइए और इस पर रख दें। अब इसको काटना कैसे है तो वो देख लेते हैं अभी। तो आलू को ना आपको ऐसे पतले पतले में काट देना, करीब इतना का पतला पतला, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज पतले होंगे तभी तो टेस्टी लगेंगे ना। इतने इतने पतला काट देना हमने इसको। अब तो ये हमारे काटे गए, अब इनको ना अब फिर से काटना है। वो हमने इसको ऐसे ऐसे लंबा लंबा काटना है, तो वो भी काट लेते हैं। और ऐसे ही हमारे फ्रेंच फ्राइज़ को हम रेडी कर लेंगे। तो गाइज, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये काट दिया, तो मेरी मेहनत के लिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना ज़रूर। और मैंने इनको काट लिया, तो अब देखिए ऐसे काट देने हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसे चाहिए, यानी कि इसका शेप कुछ ऐसा होना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, जितने फ्रेंच फ्राइज के लिए होते हैं। तो अब तो ये हमारे रेडी हैं। इस स्टेज पर आप इसको धो भी सकते हो, पर अगर आप धो रहे हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पानी सुखाना पड़ेगा, यानी कि टॉवल के साथ इसका सारा पानी आपको पोंछना पड़ेगा। तो मैं इनको धो नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले से ही धो लिए थे। हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है, वो कर लेते हैं। पर कोटिंग करने से पहले तेल चढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर कोटिंग करेंगे बाद में हमारे जो कोटिंग का मिश्रण होगा ना वो गीला हो जाएगा, जो हमने नहीं करना। तो इसीलिए पहले तेल को चढ़ा देते हैं। करने के लिए तेल तो डालना पड़ेगा ना, तो तेल भी डाल देते हैं इसमें। इतना तेल तो काफी होगा। अब इसको गर्म होने जो हमने फ्रेंच फ्राइज है ना उनको कोट कर लेते हैं फटाफट से। इन फ्रेंच फ्राइज को ना अब एक बाउल में निकाल देंगे। तो भी इसमें डालेंगे हम मैदा, जो आधा कप के करीब होगा, तो वो डाल देते हैं मैदा इसमें। मैदा गया। ये काफ़ी इतना मैदा, तो नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि मैदे के साथ ये कम हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो वो मिक्स कर देते हैं अब इसको। मैं तो हाथ के साथ ही मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह से। तो गाइस, मैंने इसको अच्छी तरह से कोट तो कर लिया। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं ना, अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे उसमें ना वो आलू को पहले ही उबाल लेते हैं, और उबालने के बाद ये सब करते हैं। लेकिन जो मेरी ये ट्रिक है ना, ये आप ज़रूर ट्राई करना, आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से बन जाए। तो इनको अभी मैंने कोट तो कर दिया, अब इनको फ्राई करते हैं, सीधा सीधा जल्दी करते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इनके ऊपर कितनी अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग हो चुकी है, और वो फ्राई करने को डाल देते हैं इसके अंदर। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए, जब आप इसको फ्राई कर रहे हो ना, तो इसकी जो फ्लेम है, यानी कि जो आग है जो नीचे बल रही है ना इसके ऊपर, मतलब आपको मत सिखा, चल उसको आपको कम रखना है, यानी कि मीडियम पर रखना है, और इनको फ्राई करना। अगर तेज पर पकाओगे ना बाहर से पक जाएगा पर अंदर से नहीं पकेगा, तो मीडियम पे जरूर पकाना, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो पका लेते अभी। गाइस, हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इनको प्लेट करते हैं। तो प्लेट करने के लिए एक स्पेशल प्लेट है मेरे पास, ये वाली, इसमें मैं प्लेट करूंगा। तो करते हैं।